सियासी बवंडर में फंस गई झारखंड कांग्रेस, नाव में हो गया विधायक कैश कांड का छेद, हाथ से छूटी पतवार, हर कांग्रेसी विधायक शक के दायरे में, काम धाम छोड़कर हो रही जासूसी। नमस्कार, आजाद सिपाही विशेष में आपका स्वागत है, मैं हूं राकेश सिंह। 2014 के बाद से राजनीतिक वनवास में चली गई देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी ने हाल के दिनों में अपनी वापसी के लिए जद्दोजहद करना शुरू तो किया है, लेकिन बात कुछ बनती दिखाई नहीं दे रही है। झारखंड में अभी अभी विधायक कैश कांड के बाद इसके अंदर खाने में जो हालात पैदा हो गए हैं, उससे राजनीतिक हलकों में ये बात आम रूप से कही जाने लगी है कि कांग्रेसी सियासी बवंडर में इस कदर फंस गई है कि इसका निकलना नामुमकिन सा दिखता है। इसकी नाव में विधायक कैश कांड का छेद हो गया है और पतवार पहले ही हाथ से छूट चुकी है। अब इसका डूबना तय माना जा रहा है। आज अगर कांग्रेसी विधायक एक दूसरे को शक की निगाह से देख रहे हैं, झारखंड की जनता भी उन्हें शक की नजर से देख रही है। इसका असर झारखंड की सरकार के कामकाज पर भी पड़ रहा है, क्योंकि पहली बार झारखंड में पूर्ण बहुमत की गैर भाजपा सरकार की सहयोगी होने के नाते झारखंड की राजनीतिक स्थिरता बनाए रखने में कांग्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका है, लेकिन अब कांग्रेसी ही इसे समझ नहीं पा रहे हैं। सरकार में सहयोगी होने के बावजूद पार्टी नेता पूरी तरह असहज हैं और काम धाम छोड़कर एक दूसरे की जासूसी में लगे हुए हैं। कोई किसी का टेलीफोन लोकेशन ढूंढने में लगा है, तो कोई परिवार के सदस्यों का लोकेशन ले रहा है। सांगठनिक रूप से भी झारखंड कांग्रेस कई धड़ों में विभाजित नजर आ रही है, जहां आपसी तालमेल और समन्वय का नितांत अभाव दिखता है। स्थिति को झारखंड के राजनीतिक भविष्य के लिए अच्छा संकेत नहीं माना जा सकता। झारखंड कांग्रेस के अंदर खाने के सियासी बवंडर और विधायकों के अजब गजब खेल से प्रदेश की राजनीति पर पड़ने वाले असर को टटोलती आजाद सिपाही के विशेष संवाददाता राकेश सिंह की खास रिपोर्ट। देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस अपना राजनीतिक वनवास खत्म करने की कोशिश में जुटी हुई है, लेकिन इस कोशिश में उसे कड़े झटके भी सहने पड़ रहे हैं। कभी कभी तो ये झटके इतने जोरदार लग रहे हैं कि पूरी पार्टी ही हिल जा रही है, और झटका देने वाले दूसरे नहीं बल्कि खुद कांग्रेसी ही हैं। नया वाक्य झारखंड कांग्रेस से जुड़ा है। खनिज संपदा के मामले में देश के सबसे समृद्ध प्रदेश झारखंड की सत्ता में साझेदार होने के बावजूद पार्टी की प्रदेश इकाई में सब कुछ दुरुस्त नहीं है। पार्टी के तीन विधायकों इरफान अंसारी, नमन विक्सल कोनगाड़ी और राजेश कच्छप के बड़ी मात्रा में नकदी के साथ कोलकाता में पकड़ाने की घटना ने कांग्रेस की रही सही साख को भी रसातल में पहुंचा दिया है। पार्टी नेता अब इस हालत में नहीं है कि वे अपने ही लोगों को चेहरा दिखा सकें, क्योंकि हर कोई एक दूसरे को शक की नजर से देख रहा है। झारखंड कांग्रेस की आज की हालत ऐसी हो गई है कि इसे अपने ही लोगों पर भरोसा नहीं है। तीन विधायकों के नकदी के साथ पकड़े जाने के बाद से पार्टी के भीतर का वो फोड़ा फूट गया है, जिसके बारे में पिछले कुछ दिनों से राजनीतिक हलकों में चर्चा चल रही थी। अब तो जो सूचना आ रही है उसके अनुसार पार्टी के 18 में से 14 विधायक सियासी उथल पुथल में शरीक माने जा रहे हैं। उनमें से कुछ के चेहरे पब्लिक डोमेन में आ गए हैं, बाकी अपने चेहरे पर शराफत की चादर ओढ़कर साख बचाने की कोशिश में लग गए हैं। इसमें दो राय नहीं कि पिछले कुछ महीनों से कांग्रेस के विधायक सौदेबाजी कर रहे थे और वहीं से झारखंड में नई सरकार की पटकथा लिखी जा रही थी। इस बात की चर्चा कांग्रेस आलाकमान से लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं तक में थी। झामुमों को भी ये आभास था कि ऐसा कुछ चल रहा है। आम आदमी भी इस पर चर्चाएं कर रहा था। रह रहकर विधायकों के मोबाइल ट्रेस किए जाते और नॉट रीचेबल आते ही
लोगों की शंकाएं शक में बदल जाती थीं। सफाई में कांग्रेस के कई विधायक दांत और आंख दर्द का इलाज कराने के नाम पर दिल्ली का बहाना बनाते थे। वे जाते थे दिल्ली लेकिन कहते थे बिहार में हैं। जाते थे गुवाहाटी लेकिन कहते थे परिवार का इलाज कराने आए हैं। हद तो ये हो गई है कि सब कुछ जानबूझकर पार्टी आलाकमान भी अनजान बना रहा। असर ये हुआ कि पार्टी नेतृत्व के ढीले रवैये ने इन विधायकों की हिम्मत बढ़ा दी और वे बहुत ही विश्वास के साथ सौदेबाजी पर उतर आए। आलाकमान उस समय भी शांत हो गया था, या यूं कहें कि बचाव की मुद्रा में आ गया था, जब कांग्रेस को अस्थिर करने का आरोप लगाकर कांग्रेस के ही विधायक अनूप सिंह उर्फ जयमंगल सिंह ने अरगोड़ा थाने में FIR दर्ज कराई थी और उसमें 3 सामान्य लोग गिरफ्तार भी किए गए थे। उस समय भी कांग्रेस के कुछ विधायकों के बारे में पक्का सबूत सामने आया था कि उन लोगों ने दिल्ली की सैर की और सरकार को राजनीतिक रूप से अस्थिर करने के खेल में शामिल रहे। लेकिन आलाकमान ने ही पूरे मामले पर पर्दा डाल दिया और पक्का सबूत होने के बावजूद किसी विधायक से ये नहीं पूछा गया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया या इसके पीछे क्या सच्चाई है। झारखंड के आज के नए घटनाक्रम में जिन विधायकों के नाम आ रहे हैं उनमें से कुछ पहले वाले खेल में भी शामिल थे। आलाकमान के उस ढुलमुल रवैये का ही असर है कि आज झारखंड कांग्रेस मजाक बनकर रह गई है। राज्यवासी अब कांग्रेस के नेताओं की तुलना उस मेमने से कर रहे हैं जिसकी हर हाल में बलि दे दी जाती है। मेमने को पालता कोई और है, बलि के लिए ही मेमने की खरीद बिक्री होती है। उसी तरह झारखंड कांग्रेस में भी आए दिन उसके विधायकों की बिकने की खबरें आम हो गई हैं। उनकी गत इतनी गिर गई है कि कभी कोई सब्जी वाला उन्हें खरीद रहा होता है तो कभी कोई फल वाला। अभी हाल में झारखंड कांग्रेस के 3 विधायक 49 लाख कैश के साथ पश्चिम बंगाल में पकड़े गए। इस रकम को तीनों में बांट दिया जाए तो करीब 16-16 लाख तीनों में बटेंगे। इससे ज्यादा में तो दिल्ली के चांदनी चौक में बकरे बिका करते हैं। इन तीनों विधायकों के बिकने का आरोप कांग्रेस के ही एक विधायक कुमार जयमंगल सिंह ने लगाया है। उन्होंने इसके खिलाफ FIR भी दर्ज करवा रखी है। पार्टी से उन विधायकों को सस्पेंड भी कर दिया गया है। लेकिन यहाँ बात विधायकों की खरीद फरोख्त की नहीं है, कांग्रेस के लचर नेतृत्व की है। राजेश ठाकुर झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। जब से इन्होंने झारखंड की कमान संभाली है उनके नेता बेलगाम हो गए हैं। आलाकमान ने बहुत उम्मीद से राजेश ठाकुर के हाथ में प्रदेश की कमान दी थी, लेकिन हाल के दिनों की घटनाओं से ऐसा प्रतीत होता है कि राजेश ठाकुर का किसी विधायक और बड़े नेता पर नियंत्रण ही नहीं रह गया है। खुद कांग्रेस के नेता ही उन पर ये आरोप लगा रहे हैं। बार बार ये देखा जा रहा है कि वो अपने विधायकों को एकजुट रखने में असफल हो रहे हैं। राष्ट्रपति चुनाव में भी यही हुआ। अविनाश पांडे से लेकर प्रदेश के अध्यक्ष तक लगातार ये कोशिश करते रहे कि कांग्रेस के विधायक यशवंत सिन्हा को वोट करें, लेकिन पार्टी के 10 विधायकों ने द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में वोट किया। ये काम विधायकों ने दबे छिपे नहीं किया। कांग्रेस प्रभारी के समक्ष कुछ विधायकों ने अपना ये मंतव्य भी रखा था कि पार्टी हित में कांग्रेस को द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में मतदान करना चाहिए था, लेकिन उनकी नहीं सुनी गई और न ही उन्हें समझाने की कोशिश की गई। इसी तरह पिछले 6 महीने से ये बात सार्वजनिक हो रही थी कि कांग्रेस के कुछ विधायक बिकने को तैयार हैं। आलाकमान को भी पता था, बावजूद आलाकमान ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की और अंततः कोलकाता का कैश कांड सामने आ गया। अब तो हालत ये हो गई है कि कांग्रेस का हर विधायक एक दूसरे को शक की नजर से देख रहा है। ये कमजोर नेतृत्व का ही दुष्परिणाम है। आपसी मतभेद तो हर दल में सामने आते हैं। झामुमो के कुछ विधायकों में भी मतभेद सामने आ रहे हैं, लेकिन उनके विधायकों पर ये तो आरोप नहीं लग रहा है कि वे बिकने को तैयार हैं। झामुमो विधायक कहीं हाथ पैर भी नहीं मार रहे हैं। इसका सीधा और सपाट जवाब यही है, झामुमो का नेतृत्व शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन के सशक्त हाथों में है। वो विधायकों की भावना का कद्र भी करते हैं।
राष्ट्रपति चुनाव में भी उन्होंने विधायकों की भावना का कद्र करते हुए द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में निर्णय लिया। सफल नेतृत्वकर्ता वही होता है जो समय और अपने लोगों की भावना को पहचान लेता है। हेमंत सोरेन भी यही कर रहे हैं। समय और परिस्थिति के अनुसार वह खुद निर्णय ले लेते हैं। राज्यसभा में उम्मीदवारी का सवाल हो या राष्ट्रपति चुनाव में वोट देने का निर्णय, उन्होंने दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय देते हुए निर्णय लिया और इसका परिणाम ये हुआ कि उनके विधायक इंटैक्ट रहे। ये कांग्रेस के लचर नेतृत्व का ही दुष्परिणाम है कि कैश के साथ पकड़े जाने पर आलाकमान ने 3 विधायकों के खिलाफ जो अनुशासनात्मक कार्रवाई की, उससे कांग्रेस का एक बड़ा तबका नाराज लग रहा है। उस तबके ने इस पूरे मामले को राजनीतिक षड्यंत्र करार दिया है। एक बड़ा वर्ग कांग्रेस के इस निर्णय और विधायकों के खिलाफ FIR कराने वाले के खिलाफ आंदोलन पर उतर आया है। वो पुतला दहन से लेकर नारेबाजी तक कर रहा है। सोशल मीडिया पर वार सा चल पड़ा है। वो तबका तो यहाँ तक कह रहा है कि कांग्रेस में मुस्लिम, आदिवासी और क्रिश्चियन नेताओं विधायकों के खिलाफ एक बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। उसी षड्यंत्र के तहत 3 विधायकों के खिलाफ FIR करवाई गई और उनका निष्कासन हुआ। वो तबका कह रहा है कि बड़े से बड़ा अपराधी को भी सजा देने से पहले उसकी बात कहने के लिए मौका दिया जाता है। अगर वो खुद नहीं कहता है तो अदालत तक अपनी तरफ से उसे वकील मुहैया कराकर उसकी बात को रखता है। लेकिन कांग्रेस आलाकमान ने तो इन विधायकों की सुनी तक नहीं। उधर कोलकाता में विधायक पकड़ाए और इधर उन्हें तुरंत सस्पेंड कर दिया गया। ये तबका तो FIR को ही गलत नजरिए से देख रहा है। कुछ दिन पहले पार्टी की प्रदेश इकाई की कमान राजेश ठाकुर को सौंपने और 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने के बाद लगा था कि पार्टी के भीतर जारी आंतरिक गुटबाजी पर विराम लगेगा, लेकिन स्थिति में बहुत बदलाव नहीं दिखा। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि झारखंड कांग्रेस की मजबूरी ये है कि ये अपनी पीड़ा का इजहार भी नहीं कर सकती है। सत्ता में रहकर भी प्रभावहीन होने का जो दर्द आज झारखंड के कांग्रेसी झेल रहे हैं, वो शायद कोई समझ नहीं सकता। झारखंड के कांग्रेसियों की पीड़ा अलग अलग किस्म की है। कांग्रेसियों की ये छटपटाहट पिछले 3.5 साल के दौरान गाहे बगाहे अक्सर सामने आती रही है। आलाकमान का मौन इसे कम करने की बजाय बढ़ाता ही रहा है। शुरुआत में पार्टी के विधायकों में भी काम के प्रति जबरदस्त उत्साह था, लेकिन समय बीतने के साथ ही ये उत्साह ठंडा पड़ता दिखाई देने लगा। जिन नेताओं और कार्यकर्ताओं ने विधानसभा चुनाव में अपना सब कुछ झोंक दिया और पार्टी की जीत के लिए दिन रात एक कर दिया, अब उनकी ही अनदेखी से स्थिति विस्फोटक मोड़ पर पहुंच गई। यहां तक कि पार्टी के विधायकों को भी समझ में नहीं आ रहा कि वे क्या करें और किधर जाएं। इसलिए झारखंड कांग्रेस आज भीतर से कई धड़ों में पटी हुई नजर आ रही है। हर एक धड़ा बिना किसी तालमेल या समन्वय के अपना काम कर रहा है। इसका परिणाम विधायक कैश कांड के रूप में सामने आया है। झारखंड कांग्रेस का पूरा मामला फिलहाल जुगाड़ के सहारे चलता दिख रहा है, लेकिन इस तरह के जुगाड़ वाली व्यवस्था से पार्टी नहीं चल सकती। जाहिर है कांग्रेस के भीतर की ये स्थिति झारखंड के राजनीतिक भविष्य के लिए भी खतरनाक है, क्योंकि ये पार्टी सरकार में साझेदार है और इसके भीतर का असंतोष का असर सरकार की सेहत पर भी पड़ना स्वाभाविक है। ऐसे में झारखंड कांग्रेस को एक ऐसे ओवरवेलिंग की जरूरत है जो इसे 2019 के अक्टूबर नवंबर की स्थिति में पहुंचा सके, जिसमें पार्टी का हरेक नेता और कार्यकर्ता एकजुट होकर चुनाव जीतने के संकल्प के साथ मैदान में था। कांग्रेस आलाकमान जितनी जल्दी ये बात समझ ले, स्थिति उतनी ही अनुकूल होगी। अन्यथा झारखंड में भी किसी अनहोनी की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। यहाँ सवाल उठता है कि आखिर कांग्रेसी विधायकों ने यह रुख क्यों अपनाया है। इसका जवाब जितनी जल्दी तलाश लिया जाए, उतनी जल्दी ही कांग्रेस की नाव का छेद भर जाएगा और वो सुरक्षित किनारे लग जाएगी। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमारे Facebook पेज को भी जरूर फॉलो करें। और भी अधिक खबरों के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। धन्यवाद।